पति मार्ग से भटकता है, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी है, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं शिव पंचायत। तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे उसमें भी माखन रख दो। महाराज कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है पति को, यहां जरूर कामना करना शिव पंचायत, और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायत ही नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना, बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देखे बापड़ा, और वो सामने आए नहीं, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके धुने, बस अपने चाहिए ही क्या, अरे बोला तो सर बस बात कर, वो उधर झगड़ा करे ही नहीं, प्रेम बढ़े। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए, पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। अब तुम तो सोचो अपने घर में ही कर लो और सारे उपाय घर में कर लिए और सोचे कि काम ही नहीं हो रही, हमने तो करा, हमारा तो काम ही, तुमने पूछा कहां करा तो कि घर में ही करा, तो घर में कोई हो, घर में तुम्हारी पंचायत खत्म नहीं हो, तुम्हारी शिव पंचायत कहां से आ?